दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर माहौल जो है चुनाव मई होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि हरियाणा की जो 90 सदस्यीय विधानसभा है, इसके लिए अगले 90 दिनों में चुनावी कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। चुनाव लड़ने को लेकर, चुनाव मैदान में उतरने को लेकर जहाँ तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो भी अपने पैर पैंतरे आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ ही चुनाव को लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती है, एक तरफ तो बात होती है कि चुनाव में टिकट मिलने की, कौन सा नेता कौन सी पार्टी से कैंडिडेट होगा, और दूसरा हुआ करता है विधानसभा क्षेत्र का समीकरण। समीकरण के अंदर आता है वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ का आर्थिक समीकरण, वहाँ का धार्मिक समीकरण, वहाँ का पाल गोत्र, ये तमाम देखी जाती हैं। और भले ही आप कितना ही कहें, भले ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दे दिया हो मनोहर लाल जी ने कभी, भले ही मोदी कहते रहे हो सबका साथ सबका विकास, जिसकी आजकल धज्जियाँ उड़ाते हैं उन्हीं की पार्टी के नेता खूब, कि भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उनका ही विकास करेंगे। खैर, मैं आपसे जिस मुद्दे पर आ रहा था, अगर इस पर चर्चा करूंगा तो फिर वहां भटक जाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो चलता है जाति, पाल, गोत्र, इलाका, क्षेत्र, गांव, शहर, ये सब चलता है। और इसके आधार पर पार्टियां भी अपने कैंडिडेट तय करती हैं, और इसी के आधार पर विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की सबकी रणनीतियाँ तैयार होती हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ दोस्तों चर्चा में हूं पलवल विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जिसके अंदर की अगर जाति पाल गोत्र की बात करें, शहर देहात की बात करें, तो यहां का जो मसला है सारा बड़ा मिला जुला है। यहां का अगर जातीय समीकरण देखें तो यहां पर जाट बाहुल्य इस विधानसभा सीट में जाट समाज के साथ साथ ही पीछा करता है, गुर्जर समाज, दलित समाज भी कहीं पीछे नहीं है। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के जो समीकरण को, विधानसभा चुनाव के भूगोल को जो प्रभावित करता है, जो जातीय हिसाब से उसमें चलते हैं, तो फिर चाहे वो पंजाबी समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अग्रवाल समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ये तमाम लोग, तमाम इसको प्रभावित करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र से जो इसका परिसीमन समय समय पर हुए, और जो आखिरी परिसीमन हुआ 2007 में, तो उस चुनाव के बाद में पलवल के अंदर गुर्जर मतदाता एक प्रभावी संख्या में आए, जबकि उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से ये जाट समाज का, जाट मेजोरिटी इलाका माना जाता था। हालांकि जाट मतदाताओं की संख्या आज भी जाता है, लेकिन जब बैसलात के क्षेत्र के हसनपुर विधानसभा से वो हुडल हुआ, और हसनपुर से बैसलात का क्षेत्र जब यहाँ पर जुड़ा बड़ौली से लेकर के और कुशक तमाम इन गाँवों को जब जोड़ करके, तो उसके बाद पलवल का राजनीतिक समीकरण में बदलाव आया। मैं आपको बताऊं तो पलवल के अंदर अगर हम जातिगत बात करें तो यहाँ पर गुर्जर समाज के नेता भी विधायक रहे, यहाँ पर जाट समाज के नेता भी विधायक रहे, यहाँ पर अग्रवाल समाज के नेता भी विधायक रहे, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के नेता भी विधायक रहे, यहाँ पर पंजाबी समाज के नेता भी विधायक रहे। और जो मैं आपसे चर्चा में हूँ कि इस विधानसभा चुनाव जो अब की बार होने जा रहा है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, खासकर बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि इस समय अगर आप सड़क से निकल जाएं पलवल में कहीं भी, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम बोर्ड दिख जाएंगे। सड़कें अटी पड़ी हैं फ्लैक्स बोर्ड से, यानी कि सड़कों पर टंगे हुए नेताजी आपको कहीं भी दिख जाएंगे। और मान लें कि ऐसा लगता है कि जैसे सड़कों पर टंगे हुए फ्लैक्स बोर्ड से ही प्रतिस्पर्धा होनी है कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे जीता जाएगा, कैसे टिकट मिलेगी, शायद यही तय करेगा। लेकिन चुनाव को दोस्तों तय करता है वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, और जो नेताजी होते हैं, नेताओं का अपना प्रोफाइल, अपना काम करने का तरीका। मैं आपको बता रहा था कि जब से यहाँ पर बैसलात जुड़ा 2007 के परिसीमन के बाद, तब से खासकर गुर्जर समाज के नेताओं ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। और जो पहला चुनाव हुआ परिसीमन के बाद 2009 में, वो पहला चुनाव जीता सुभाष चौधरी ने, जो गुर्जर समाज के नेता हैं। पलवल से मैं आपको बता दूं कि गुर्जर समाज के दो नेता यहाँ से विधायक रहे हैं, एक बार चौधरी कल्याण सिंह 1982 यानी कि 1982 में विधायक बने, उससे पहले वो एमएलसी थे, नगर परिषद नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे, और उसके बाद दूसरी बार विधायक बने 2009 में सुभाष चौधरी, कल्याण सिंह जी के ही भतीजे, स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह के भतीजे।
जब 1982 में चौधरी कल्याण सिंह बाबू जी के नाम से मशहूर थे, बाबू कल्याण सिंह जब विधायक बने तो वो हरियाणा सरकार में वजीर भी बने, चौधरी भजन लाल की सरकार में, चौधरी बंसी लाल की सरकार में, जो सरकार में दो मुख्यमंत्री हुए थे उन दोनों में वो वजीर भी रहे। और 1987 में यानी कि 1982 के बाद चौधरी कल्याण सिंह ने कोई चुनाव लड़ा नहीं विधानसभा का, उसके बाद से वो उनका अंतिम चुनाव था आप ये माने तो चौधरी कल्याण सिंह का। 1987 में यहाँ से नहीं लड़े, मैंने बताया सुभाष कत्याल यहाँ से उस समय विधायक बने थे, पंजाबी समाज के नेता। इस वीडियो में मैं आपसे खासकर चर्चा में हूँ कि क्या पलवल के चुनावी गणित को अब की बार गुर्जर नेता और गुर्जर समाज प्रभावित करेगा, और वो करेगा तो किस लेवल तक, आपसे इस बात को लेकर मैं, इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि 1982 में चौधरी कल्याण सिंह विधायक बने यहाँ से, उस समय पलवल की भौगोलिक स्थिति अलग थी, उस समय यहाँ पर गुर्जर में जो समाज के मतदाता थे वो बहुत कम संख्या में थे, लेकिन चौधरी कल्याण सिंह का असर था तो वो अपने असर से वो चुनाव जीते और 1982 में वो विधायक बने। उसके बाद 1987 में गुर्जर समाज का कोई प्रभावशाली नेता चुनाव मैदान में नहीं था, और उसके बाद में 1991 के चुनाव में जब 91 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी यहाँ पर कोई गुर्जर नेता प्रभावशाली नहीं था। 1996 में चुनाव मैदान में आए जो गुर्जर समाज के नेता सुभाष चौधरी, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा 1996 में, पहला चुनाव लड़ा, और दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने 2000 के चुनाव के अंदर, जो सन 2000 में चुनाव हुआ विधानसभा का हरियाणा में। इन दोनों चुनाव में सुभाष चौधरी चुनाव मैदान में उतरे। सुभाष चौधरी, मैंने आपको बताया कि चौधरी कल्याण सिंह के ही भतीजे हैं, और 1996 में पहला चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हार गए। पहला चुनाव विधानसभा का लड़ने से पहले सुभाष चौधरी नगर परिषद के पार्षद और नगर पालिका परिषद के पलवल के कुछ समय चेयरमैन भी रहे। 1996 का चुनाव लड़े, उसको हार गए, फिर उसके बाद में 2000 का चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही उसको भी हार गए। यानी कि दो चुनाव वो हाथी पर बैठकर उतरे चुनाव मैदान में, लेकिन हाथी अपनी चाल में ही रहा और सुभाष चौधरी उन चुनावों को दोनों को हार गए। ये वो दौर था जब पलवल के अंदर गुर्जर जो मेजोरिटी वाले, जो बता रहा था मैं आपको, बैसरात वाले गांव नहीं थे। उसके बाद जब अगला चुनाव आया 2005 का, तो उस चुनाव के अंदर भी कोई बड़ा प्रभावशाली गुर्जर नेता चुनाव मैदान में नहीं था। 2007 में परिसीमन हुआ, तो परिसीमन के बाद में बैंसलात के गांव पलवल में आ गए, और उस चुनाव में 2009 के चुनाव में यहां पर दो गुर्जर नेता चुनाव लड़े। दोस्तों, दो गुर्जर नेता इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़े सुभाष चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े बैंसला, राजेंद्र बैंसला उनका, जहां तक मुझे नाम ध्यान आ रहा है यही नाम था, भारतीय जनता पार्टी से वो लड़े। बैंसला साहब का केवल बैंसला गोत्र की वजह से था, लेकिन उनका पलवल को खास संपर्क नहीं था, वो फरीदाबाद से आते थे। 2009 का वो चुनाव सुभाष चौधरी जीत गए इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, और उन्होंने उस चुनाव में करण सिंह दलाल को हरा दिया। 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया, 2014 में सुभाष चौधरी फिर चुनाव लड़े इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। यानी कि मैंने आपको बताया चार बार चुनाव लड़े हैं, तीन बार हारे हैं, एक बार जीते हैं। 2014 का चुनाव वो हार गए और तीसरे नंबर पर रहे सुभाष चौधरी जब इनेलो कैंडिडेट हुए 2014 में। करण सिंह दलाल चुनाव जीते, दीपक बंगला दूसरे नंबर पर रहे और सुभाष चौधरी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कोई गुर्जर नेता मैदान में नहीं था। अब 2024 की लड़ाई है। 2019 का जो चुनाव हुआ उसके अंदर दीपक मंगला चुनाव जीत गए और करण सिंह दलाल चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे, आमने सामने का चुनाव हुआ। अब 2024 की लड़ाई के लिए अगर मैं आपको कहूं तो गुर्जर समाज के नेता पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे हैं, और आप मान करके चलें कि गुर्जर समाज तो जैसे शायद ये ठाने हुए है कि किसी नेता को अब की बार चुनाव लड़ाया ही जाएगा। मेरी गुर्जर समाज के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर किसी पार्टी ने, यानी कि पहला उनका फोकस तो भारतीय जनता पार्टी पे है। अब ये बताऊंगा आपको सभी नाम भी कि कौन कैंडिडेट हैं, किसमें कितना दम है, क्या हो सकता है, ये सब भी बताऊंगा आपको। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर किसी गुर्जर नेता को टिकट नहीं मिला, प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर क्योंकि कांग्रेस से तो कोई उम्मीद है नहीं, वहां तो करण सिंह दलाल बैठे हुए हैं, अगर मैं ये कह दूं कि कुंडली जमा करके वहां तो किसी की एंट्री भी नहीं हुई। हालांकि सुभाष चौधरी के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं आने वाले दिनों में,
उन्होंने चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप का साथ दिया, बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेसी अभी शामिल नहीं हुए हैं कांग्रेस में, इंडिपेंडेंट रहते हुए उन्होंने साथ दिया महेंद्र प्रताप का। इसके अलावा अगर देखें तो भाई गुर्जर समाज से और कौन नेता आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको कि पहली उनकी जो प्रायोरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में जुगाड़ लगने का चांस है नहीं। दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है जो आजकल नया नया गठबंधन बना है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि 2009 में जो सुभाष चौधरी विधायक बने थे वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से ही बने थे, और इनेलो बसपा का गठबंधन होने के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को ये तो लगने लगा है कि अगर बीजेपी कांग्रेस में दाल नहीं गली तो तीसरा प्लेटफॉर्म तैयार है। खैर, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन नेताओं में कितना दम है, क्या वो कर सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो आज एक बड़ौली गांव में, जो बैसरात की जिसे राजधानी मान सकते हैं पलवल के अंदर, पलवल में गुर्जर समाज का मतलब बैसरात और बैसरात का मतलब गांव बड़ौली, जो राजधानी मानी जा सकती है, कैपिटल ऑफ बैसरात। आज बड़ौली में पंचायत हुई एक सतवीर पटेल के समर्थन में। अब मैं आपको नाम बताने चला हूं कौन कौन कैंडिडेट हैं, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। तो नंबर एक पर मैंने आपको नाम दिया सतवीर पटेल। सतवीर पटेल शिक्षाविद हैं, अपना स्कूल चलाते हैं सेंट सीआर स्कूल के नाम से, उनका पलवल में स्कूल है। और सतवीर पटेल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, और इसके साथ साथ वो गुर्जर समाज के साथ भी लंबे समय से जुड़े हैं। जब राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज का आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था, किरोड़ीमल बैसला जो उस समय उनके नेता थे, तो उस समय पर सतवीर पटेल का नाम पहली बार राजनीतिक पटल पर सामने आना शुरू हुआ था। पंचायत भी हुई थी उस समय भी, यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले की बात आपसे हम कर रहे हैं। उस समय पंचायत भी हुई थी, पंचायत के अंदर पैसा भी इकट्ठा हुआ था, और बड़े अच्छे संख्या में पैसा इकट्ठा करके उस गुर्जर समाज के जो आरक्षण की लड़ाई चल रही थी राजस्थान में, वहाँ भेजा भी गया था। आज जब बड़ौली गांव बैसलात के बड़ौली में जब पंचायत हुई, तो उस पंचायत के अंदर लोग कह रहे थे कि अब की बार चुनाव लड़ना है, चाहे वो आजाद ही क्यों ना लड़ना पड़े। आप सुन सकते हैं इसमें। आज तक हमारा आपका केवल इस्तेमाल होता आया है, आज आप लोग सभी इस स्थिति में हैं कि एक आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करें और चंडीगढ़ तक अपने प्रतिनिधि को भेजें, क्योंकि आज जो अवसर है शायद ही आपके पास आए। ने भी कहा कि भाई अगर बस्ती माता समर्थन दे रही है, जो हमारे ब्रज का क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहां पर किसी भी गांव इलाके को बस्ती माता कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि अगर बस्ती माता समर्थन दे रही है तो मैं भी तैयार हूं, मुझे अगर तन मन धन से साथ देने की बात चल रही है। और इसके साथ ये भी कहा कि हमारा राइट है। आप सतवीर पटेल को भी सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पार्टी के नेता इस बात को समझ रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी इस पंचायत के संदेश को समझेंगे और आपको, आपके बेटे को, आपके लाडले को टिकट देकर के भी पार्टी आगे बढ़ाएगी, ऐसा हम पार्टी से उम्मीद करते हैं। और आपसे भी जब समय पर पार्टी के पास जाने का, नेताओं के पास जाने के लिए मैं फिर आग्रह और कष्ट दूंगा। तो इसमें सतवीर पटेल ने कहा कि अगर बस्ती माता समर्थन देगी तो हम भी तैयार है। तो पहला तो मैंने आपको नाम बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं सतवीर पटेल, साथ साथ और बताता चलूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, आरएसएस का एक क्रीड़ा भारती एक उनका प्रभाग होता है, उसके वो जिले के संयोजक हैं। हालांकि आरएसएस में ये पॉलिटिकल पद कम हुआ करते हैं और वहाँ पर सभी स्वयंसेवक होते हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्य भी किए हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आज से 5-6 साल पहले लगभग एक बड़ा आयोजन हुआ था समरस गंगा के नाम से, उसके भी आयोजक सतवीर पटेल थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, खुद बैसलात से आते हैं और जो उनका निवास और जो उनका स्कूल है वो पलवल की जो प्रमुख दलित बस्तियां हैं, शमशाबाद लाइन पार्क का एरिया जैसे कहा जाता है, शमशाबाद सल्लागढ़ ये सारा एरिया वहाँ पर उनका स्कूल है, तो इस लिहाज से मान सकते हैं कि वो एक अपना ठीक ठाक प्रभाव लिए हुए हैं और चुनाव की तैयारी में है। अब दूसरा जो नाम मैं आपसे लूँ तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनका नाम पवन भड़ाना। बीजेपी में तो हैं लेकिन हालांकि बीजेपी से कई बार बीच बीच में दूर दूर से रहे,
पवन भड़ाना सुभाष चौधरी के भतीजे हैं, चौधरी कल्याण सिंह के भाई के पोते हैं, यानी कि कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं, यानी कि वही परिवार चौधरी कल्याण सिंह वाला। पवन भड़ाना के बारे में आपको बता दूं कि स्वभाव से सौम्य है, तीन बार तीसरी बार वो लगातार अब नगर परिषद के पार्षद हैं, और चुनाव उनका जो जीतने का रहा वो ठीक ठाक हिसाब किताब रहा, यूथ के अंदर पकड़ है, पॉलिटिकल परिवार भी है, और पवन भड़ाना भी कह रहे हैं आजकल कि चुनाव तो लड़ना है। अगर अगला नाम मैं आपसे कहूं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, संजय गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कभी जिला अध्यक्ष थे, आजकल शायद किसान मोर्चा के वो प्रदेश में किसी पोस्ट पर हैं। संजय गुर्जर के भी आप देखें तो खूब बैनर पोस्टर खूब दिखाई दे रहे हैं आजकल, खूब जमकर बरसते हैं वो अपनी पार्टी के विधायक दीपक मंगला पर भी और करण दलाल पर भी, पंचायती टाइप का व्यक्तित्व है उनका, संजय गुर्जर भी तैयारी कर रहे हैं। अगर अगला मैं आपसे नाम कहूं तो फिर उत्कर्ष चौधरी हैं, कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे हैं। हालांकि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर तो ये कहते हैं कि पलवल में हमारी दावेदारी नहीं है किसी तरह की, लेकिन उत्कर्ष चौधरी के बोर्ड लगे हुए हैं, उत्कर्ष चौधरी लोगों में घूम रहे हैं, और यहां तक कहा जाता है कि अब की बार उत्कर्ष चौधरी भी कहते हैं कि चुनाव लड़ना है। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार पलवल में गुर्जर समाज का कोई एक चेहरा जरूर होगा, किसी पार्टी ने पहली उनकी प्राथमिकता बीजेपी है, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो फिर वो हो सकता है इनेलो बसपा की तरफ देखे, वो ना हो तो फिर कोई और पार्टी देखे, और वो ना तो कोई निर्दलीय ही हो। आप मान करके चलें कि जो मुझे लगता है वो ये है कि अब की बार गुर्जर समाज का कोई नेता मैदान में होगा जरूर। तो उत्कर्ष चौधरी भी आजकल तैयारी कर रहे हैं, सुभाष चौधरी की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुभाष चौधरी भी तैयारी में है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और नाम बताया, जो बताने चल रहा हूं उनकी भी चर्चा कई दिन रही है, राजेंद्र बैसला है, वो भी तैयारी करते हैं भारतीय जनता पार्टी से ही। तो ये तमाम नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोशिश है कि अब की बार कोई दाव लगे, अब की बार कोई बात बने, क्योंकि 2014 और 2019 सूखे सूखे निकल गए। और बैसलात का एरिया जब से पलवल में आया तब से गुर्जर समाज को, मैंने आपको ये भी बता दिया, एक डॉक्टर आपको मैं नाम जरूर बता चलूँ, डॉक्टर हरित बैसला हैं बड़ौली से, वो भी तैयारी करते हैं आजकल, वैसे निर्दलीय लिखते हैं अपने आप को। तो कई सारे नाम ऐसे हैं, और मैंने जो आपको बताया कि अब की बार पलवल की राजनीति को आप मान करके चलें कि गुर्जर राजनीति प्रभावित करेगी, इसे आप 100% मान करके रख लें कि एक प्रभावित जरूर करेगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जिन लोगों का मैंने आपसे नाम दिए उसके अंदर मैंने सबसे पहला नाम तो मैंने आपको बताया, आप उसे सीरियल वाइज ही ले लें, जो जिस तरह से मैंने आपको नाम बताए, सतबीर पटेल पूरी तैयारी कर रहे हैं, पवन भड़ाना तैयारी में है, संजय गुर्जर तैयारी में है, उत्कर्ष चौधरी तैयारी में है, सुभाष चौधरी तैयारी में है, राजेंद्र बैसला तैयारी में है, हरित बैसला तैयारी में है। तो ये गुर्जर समाज और बैसलात का जो एरिया पलवल विधानसभा चुनाव में अब की बार अपनी एक भूमिका अदा करेगा। जो हमारे सुधीर दर्शक हैं पलवल जिले के और खासकर जो या आसपास के एरिया के, बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि गुर्जर जो समाज का नेता कोई चुनाव मैदान में होगा, और अगर वो चुनाव मैदान में होता है तो फिर चुनाव को कितना प्रभावी करेगा, और अगर वो किसी पार्टी से बात नहीं बनती टिकट वगैरह को लेकर के, तो क्या फिर वो पंचायती तौर पर भी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।